यौन रोग, धातु रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इससे आजकल के युवा बहुत परेशान हैं। जवानी में ही बहुतों को बुढ़ापा आ जाता है। कोका कोला, पेप्सी, कॉफी, चाय और तमाम गर्म चीजें खा खा करके, मांसाहार कर करके और उत्तेजक दृश्य देख देख करके, उत्तेजक गाने सुन सुन करके, चारों तरफ वासनामय वातावरण है। कम उम्र में ही फिर अश्लीलता और तमाम वासनात्मक वातावरण, इन सब के बीच में व्यक्ति की शक्ति कमजोर पड़ जाती है और यूरिन के साथ में, पेशाब के साथ में चिकना चिकना पदार्थ का निकलना, स्वप्न दोष आदि की समस्या होना, और फिर जब विवाह का वक्त आता है तो फिर यौन दुर्बलता, फिर किसी को स्पर्म काउंट की कमी और तमाम तरह की विषमताओं से जो है जूझना पड़ता है। धातु रोगों के लिए, यौन रोगों के लिए तो कपाल भाती अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपाल भाती 15-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक युवकों को करना चाहिए। धातु रोग का नाम निशान नहीं रहेगा, किसी भी तरह की यौन दुर्बलता नहीं रहेगी, आपको किसी सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और तमाम तरह के जो खतरनाक केमिकल की जो दवाइयाँ खाते हैं अपनी यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए, शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए, वो उसको चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। फिर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, इनका पाउडर कर लें। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच का बीज 100-100 ग्राम ले लिया, पाउडर कर लिया, एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ इसका सेवन करें। दूध के साथ खजूर ले लें, दूध के साथ गुड़ का सेवन कर लें, इससे यौन रोगों से आप बच जाते हैं। ज्यादा मात्रा में नहीं, 3-5 खजूर बस बहुत हो गया, थोड़ा सा एक डली गुड़ की ऐसे दूध के साथ सेवन कर लिया। कपाल भाति याद आधा घंटा करें, और किसी भी तरह का फिर यौन रोग हो ही नहीं सकता। स्पर्म काउंट की कमी है तो वो भी ठीक हो जाएगी और यौन दुर्बलता भी नहीं रहेगी। चंद्र प्रभाव टी एक एक गोली, यौनामृत 2-2 गोली, और शिलाजित रसायन ये भी 1-2 गोली खा सकते हैं। ये शिलाजित ऐसे भी यौन रोगों से लेकर के तमाम तरह की शारीरिक दुर्बलता को दूर करने में मदद करती है। तो यौनामृत 2-2 गोली, चंद्र प्रभाव टी एक एक गोली, और शिलाजित रसायन 1-1-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ सेवन कर लें तो किसी भी तरह की धातु रोग नहीं होंगे। और आसनों में शीर्षासन, सर्वांगासन, ये यौन रोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं। सुबह सुबह उठ करके फिर सूर्य नमस्कार करना, योगिक जोगिंग करना, दंड बैठक लगाना, और कुछ नहीं आता है तो दौड़ लगाना, दौड़ लगाओ, जहां तैरने की सुविधा है तो तैरो, इससे आप यौन रोगों से बच जाएंगे। सुबह उठ करके प्रभु स्मरण किया करें, गायत्री का जप किया करें, और अश्लीलता से बचें, उत्तेजक दृश्यों से बचें, तमाम तरह की संगीतों से बचें, और जीवन में सदाचार का, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो निश्चित रूप से आपको यौन रोग नहीं होंगे।